Good morning, everyone. So today this is the second class for service costing. So first class में हम लोगों ने introduction किया था और hotels and lodges किया था, right? So today we'll be doing other service sectors. Let us see what is there in next. नेक्स्ट वी हैव कॉस्टिंग ऑफ हॉस्पिटल्स. नाउ हॉस्पिटल्स में क्या होता है ना, अलग अलग टाइप का कॉस्ट यूनिट हो सकता है, राइट? जैसे कोई अगर पेशेंट भर्ती हुआ उसका हिसाब अलग होता है, कोई खाली एक्सरे कराने आया उसका हिसाब अलग होगा, कोई डॉक्टर को ओपीडी में दिखाने आया है, आउट पेशेंट. भर्ती वाले को इन पेशेंट बोलते हैं एंड जो ओपीडी में आता है उसको बोलते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, राइट? तो हॉस्पिटल्स में कस्टमर्स को वैरायटीज ऑफ सर्विस प्रोवाइड किया जाता है एंड सबका कॉस्ट यूनिट अलग अलग होता है. आउट पेशेंट को आप पर बेड पर डे नहीं निकाल सकते, इन पेशेंट में आप वो यूनिट यूज कर सकते हैं. आउट पेशेंट में आप बोलेंगे भैया आपको डॉक्टर को दिखाना है, एक डॉक्टर को दिखाना है 2000 रुपए, दो डॉक्टर को दिखाना है 4000 रुपए. आउट पेशेंट में अलग अलग हिसाब होता है. इन पेशेंट में हम लोग बोल सकते हैं पर बेड पर डे, उसमें फिर बहुत सारा सर्विस इंक्लूड किया जाता है, राइट? जब आप बिलिंग भी देखेंगे ना, कुछ कुछ चार्जेज ऐसा होता है जो पर डे का हिसाब से लगाया जाता है, पर पेशेंट पर डे. कुछ कुछ ऐसा होता है जो पर, जैसे एक्सरे किया तो आपका अगर एक्सरे नहीं हो तो एक्सरे चार्ज क्यों इंक्लूड करेगा आप में, राइट? जैसे जो आरएमओ होता है, जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, उनका एवरेज बेसिस पे आपका एक चार्ज डाला जाता है, दवाई आपका जितना यूज होगा उतना डाला जाता है, राइट? सो हॉस्पिटल्स में यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी है, हॉस्पिटल्स मे हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स केटरिंग टू वैराइड सर्विसेज टू द पेशेंट्स. ये तो आपका ओपीडी हो गया, इन पेशेंट हो गया, मेडिकल सर्विसेज हो गया, जनरल सर्विसेज हो गया, मिसलेनियस सर्विसेज हो गया, राइट? अब सबका कॉस्ट यूनिट क्या होगा? आउट पेशेंट का बोल रहा है पर आउट पेशेंट, तो इन पेशेंट है वो पर डे पर बेड, तो वो रूम डे के हिसाब से हो गया बेसिकली. मतलब अगर एक रूम में यहां पे 3 बेड है तो 3 पेशेंट डेज आएगा, समझ गया ना, एक दिन का, एक रूम का. और अगर सिंगल रूम है कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, स्कैनिंग हमारा पर केस होगा, लॉन्ड्री पर 100 आइटम्स, पेशेंट लोग का कपड़ा, बेडशीट वगैरह, ये सब लॉन्ड्री होता है ना. हमने पहले ही बता दिया था आपको सर्विस सेक्टर में हम लोग बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन फॉलो करेंगे. तो द कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटल विल बी डिवाइडेड इनटू 2 हेड्स, फिक्स्ड एंड वेरिएबल. राइट, स्टाफ सैलरी, नर्स सैलरी, डेप्रिसिएशन, ये सब फिक्स में आएगा. स्कैनिंग, फूड आइटम सप्लाइड, राइट, ये लोग वेरिएबल में आएगा. तो इसका एक क्वेश्चन है, अपने इस क्वेश्चन को करेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा. इसमें ज्यादा वैरायटी नहीं है, इट्स अ प्लेन सिंपल वनीला प्रॉब्लम, राइट? क्वेश्चन में बोला है एबीसी हॉस्पिटल रन्स अ क्रिटिकल केयर यूनिट इन अ हायर्ड बिल्डिंग, तो इसका मतलब रेंट आएगा फिक्स कॉस्ट में. सीसीयू कंसिस्ट ऑफ 35 बेड्स एंड 5 मोर बेड्स कैन बी एडेड इफ रिक्वायर्ड.
35 बेड का कैपेसिटी का ये हॉस्पिटल है, दरकार पड़ने पे 5 आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। रेंट फिक्स कॉस्ट हो गया, सुपरवाइजर का सैलरी भी फिक्स कॉस्ट हो गया, नर्स का सैलरी भी फिक्स कॉस्ट हो गया, राइट। डॉक्टर्स का हिसाब से 2.5 लाख रुपए महीना होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, फिक्स्ड है कि वेरिएबल, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। अदर एक्सपेंसेस में रिपेयर फिक्स कॉस्ट बोल दिया, फूड टू पेशेंट मैंने बोला था वेरिएबल कॉस्ट है, जितना पेशेंट होगा उतना ही फूडिंग एक्सपेंसेस आएगा। अदर सर्विसेज टू पेशेंट ये भी वेरिएबल कॉस्ट है, लॉन्ड्री भी वेरिएबल कॉस्ट है, मेडिसिन भी वेरिएबल कॉस्ट है, अदर फिक्स एक्सपेंसेस ये भी फिक्स कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एलोकेटेड भी फिक्स कॉस्ट है। डेढ़ सौ दिन 35 बेड ऑक्यूपाई होगा और 80 दिन 25 बेड ऑक्यूपाई होगा, इसका मतलब 150 दिन होगा 35 बेड ऑक्यूपाई, 80 दिन होगा 25 बेड ऑक्यूपाई, कितना आ रहा है? 750 beds, बोले ना 5 आप एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, साढ़े 700 बेड मतलब कैसे, डेज वाइज, एक दिन में 750 नहीं, मतलब हिसाब से देखा जाए तो 150 दिन 35 बेड ऑक्यूपाइड है और 80 दिन 25 बेड ऑक्यूपाइड है, तो 150 दिन आई एम वर्किंग एट फुल कैपेसिटी, 150 का अगर मैं 5 एक्स्ट्रा करके ऐड करूं तो देखो 750 आ गया ना। जब मैं अंडर यूटिलाइज्ड हूं तब थोड़ी मैं एक्स्ट्रा बेड लूंगा, हॉस्पिटल होता 365 दिन है, सपोज करो हॉस्पिटल 230 डेज ही रन किया, बाकी दिन खाली जा रहा है, पेशेंट नहीं है, हो सकता है ना, तो 80 दिन आई एम वर्किंग एट लेसर कैपेसिटी, तो ये 80 दिन में तो मैंने एक्स्ट्रा बेड नहीं लिया होगा, मैंने एक्स्ट्रा बेड इन 150 दिन में लिया होगा जब मैंने वर्किंग एट 100% कैपेसिटी, और दिन का 5 करके तो हिसाब से 750 पेशेंट डेज हो गया ना। आठ हजार पेशेंट डेज आएगा, देखो मतलब मैक्सिमम 750 ही एक्स्ट्रा बेड ले सकते थे, इसका चार्जेस भी लगा है, बेड चार्जेस, वो सवाल है, ये तो मार्जिनल कॉस्टिंग का टॉपिक आ गया, इसको कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। और ये हमारा रेवेन्यू दे दिया पर पेशेंट पर डे, राइट। तो सबसे पहले पेशेंट डेज निकाला गया, देखो मैंने पहले ही बता दिया कैलकुलेशन में,
है ना। राइट अब ध्यान से सुनना, दो ऐसा खर्चा है जिसके बारे में अभी तक मैंने कुछ बताया नहीं आपको। डॉक्टर, ₹2.5 लाख महीना, कोई भी अमाउंट मंथली ₹2.5 लाख है, इसका मतलब ये नहीं कि वो फिक्स कॉस्ट हो गया। क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया, एवरेज हो सकता है ₹2.5 लाख दिया हो। पेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स अटेंडेड, जितना पेशेंट है उसके बेसिस पे आपको पैसा मिला। डॉक्टर को ऐसे ही पैसा मिलता है। एक डॉक्टर है जो एक हॉस्पिटल में उसका टाई अप है, वहां वो ऑपरेशन किया, उसी ऑपरेशन का उसको पैसा मिलेगा ना। सारे डॉक्टर्स का मिला के, एंड इट इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स अटेंडेड एंड टाइम स्पेंड बाय देम। जो जितना दिन काम किया, मतलब पेशेंट डेज हो गया बेसिकली, हाँ है ना, इट इज पेशेंट डेज ओनली। ये हो गया टाइम स्पेंड, हो गया डेज, और ये हो गया पेशेंट। सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ पेशेंट डेज, सो देयर बाय इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट। हेड चार्जेस भी वेरिएबल कॉस्ट होगा। पर बेड पर डे का है, हालांकि पूरा 8,000 का नहीं है, लेकिन 750 का तो है। ठीक है, चलिए आइए। नंबर इलस्ट्रेशन नहीं है, इलस्ट्रेशन 8। नोट वन, पेशेंट डेज निकालना है हम लोगों को। 150 दिन, 35 बेड्स करके, ठीक
राइट, नोट टू, अपन एक काम करते, अपने सारा वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते एक साथ, और नोट थ्री में सारा का सारा फिक्स कॉस्ट निकाल लेते हैं। बोलो बोलो, सबसे पहले रेंट है, फिक्स में आएगा कितना, हाँ बोलो, ये सब हॉस्पिटल्स वगैरह सब पूरे फुल ईयर का बनेगा, हॉस्पिटल होटल्स, बोलो कितना करके 75,000 × 12 9 लाख, हाँ सुपरवाइजर दो जन है, ठीक है, बोलो 25,000 × 12 × 2 हो जाएगा कितना, 6 लाख। नेक्स्ट नर्सेस, हाँ 20,000 × 12 × 4। नेक्स्ट वॉर्ड बॉयज, बोलो कितना है, हाँ कितना। नेक्स्ट डॉक्टर तो इधर आएगा, नहीं डॉक्टर्स फीस इधर लिख लो पहले, कितना 30 लैक्स। रिपेयर्स तो फिक्स बोल दिया, हाँ कितना, पूरा साल का दे दिया, हाँ चलो ठीक है, तुम लाइन से पढ़ती जाओ, तुम बोलो ना, वेरिएबल का भी तो लिख देंगे यहाँ पे, हाँ एट लाख 80,000, हाँ हाँ इधर आएगा ना एक्स्ट्रा बेड चार्जेस, हो गया, इसका टोटल बताओ, इसका टोटल बताओ, कितना 61,000, ये तुम टोटल करके बताओ ना कितना आ रहा है, 48,61,000। डन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बनाएंगे हम लोग,
ऑन करो। कितना आ रहा रेवेन्यू? 1 करोड़ 60 लाख। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है? 1.395 ठीक है, 1.039500 राइट, लेस। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, रेवेन्यू लेस ऑल एक्सपेंस करने से हमारा प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन व्हाई आई एम डूइंग दिस वे यू नो, बिकॉज अगला क्वेश्चन ब्रेक इवन पॉइंट का है। तो ब्रेक इवन पॉइंट होने से हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट वेरिएबल फिक्स में बनेगा। अगर खाली प्रॉफिटेबिलिटी बोलता ना, हम इसमें माथा ही नहीं लगाते, ये माथा ही नहीं लगाते हम। अगर खाली प्रॉफिटेबिलिटी बोलता तो मैं इसमें माथा ही नहीं लगाता, मैं सीधा कैलकुलेशन करके दे देता। कितना? 1 करोड़ 60 लाख। नाउ ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा बोलो तो? फिक्स कॉस्ट बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे। ये जो है ये 8000 पेशेंट डे का है, ये पार्ट ए, पार्ट बी। कॉन्ट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे बताओ, 1 करोड़ 3 लाख 95,000 डिवाइड बाय 8,000। ट्वेल्व नाइन नाइन पॉइंट थ्री सेवन फाइव। तो यहाँ पे 1299.375 कितना आ रहा है? 48,61,12,99.375 3742 लेंगे, 0.02 ब्रेक इवन में हमेशा ऊपर राउंड ऑफ करते हैं। 3742 पेशेंट डेज, मतलब इतना पेशेंट आने से मेरा ब्रेक इवन हो जाएगा।
डन। तो यहां पे पेशेंट डेज का खेला है, अपने को प्रॉफिटेबिलिटी बोला है, राइट? क्वेश्चन में क्या बोला है? क्लियर कट, दे हैव टोल्ड अस प्रॉफिटेबिलिटी। एंड अगला क्वेश्चन वॉज ब्रेक इवन। सो जब प्रॉफिटेबिलिटी निकालेंगे तो इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग में जिस हिसाब से इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं वैसे बनाएंगे, बिहेवियरल वाइज, राइट? सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, आएगा प्रॉफिट। राइट? का कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है? चले आइए नेक्स्ट। तो डेसिमल को इग्नोर किया बट अपन नहीं करेंगे, ऑब्वियस ऊपर राउंड ऑफ करेंगे। कॉस्टिंग ऑफ आईटी और आईटीईएस। नाउ ये लोग क्या करता है, जनरली सर्विस प्रोवाइड करता है, राइट? व्हाट दे डू, दे प्रोवाइड सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स और इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स। तो जनरली लोग लेबर इंटेंसिव होता है। तो या तो आप आउटसाइडर को फॉर अ चार्ज यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस, और कैप्टिव कंजम्पशन। कैप्टिव कंजम्पशन होता है व्हेन यू आर यूजिंग दो सर्विस इंटरनली, जैसे बॉयलर हाउस, कैंटीन इन केस ऑफ हॉस्पिटल्स फॉर डॉक्टर्स एंड नर्सेस, राइट? यहां पे लेबर कॉस्ट ही मेन कंपोनेंट होता है। क्लियर? बेसिकली आप लोग जॉब कॉस्टिंग किया है ना, सिमिलर टू दैट है ये। हाँ ये सब थ्योरी है, ये सब दरकार नहीं है अपने को उतना। छोटा सा क्वेश्चन आएगा वो हम लोग देख लेंगे। जस्ट जस्ट गिव अ रीडिंग। 3 to 4 लेवल्स ऑफ कोई भी प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोजेक्ट लीडर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर। These are support manpowers, quality assurance team, testing team, staffing manager, कोई भी काम करने में कोई हार्डवेयर इन्वॉल्व है या सॉफ्टवेयर का इन्वॉल्व है, तो अगर डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोजेक्ट से तो उसी में ऐड कर देंगे, नहीं है तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉस्ट को ओवरहेड मान लेंगे, और ओवरहेड जिस हिसाब से एलोकेट होगा देन अकॉर्डिंगली वो एलोकेट हो जाएगा। सेम चीज ट्रैवलिंग के लिए भी है,
प्रोजेक्ट से रिलेटेड है तो डायरेक्टली डाल देंगे, नहीं तो सर्विस ओवरहेड मान लेंगे। ये सिंपल सा चीज है, जो खर्चा कॉस्ट यूनिट में डायरेक्टली एलोकेट होता है उसको हम लोग डायरेक्टली डाल देते हैं, अगर नहीं होता है तो अपने उसको ओवरहेड मानते हैं, राइट। सब एफर्ट, बाकी सब कॉस्ट एफर्ट कॉस्ट में आएगा। बेसिकली ओवरहेड कॉस्ट, लाइटिंग, ऑफिस स्पेस, ये क्वेश्चन। ये पूरा कंपनी का डेटा है, पांच सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मतलब अगर मैं पर आदमी का देखूं तो 3 लाख और पर मंथ देखूं तो 25,000। फोर पॉइंट फाइव लाख डिवाइड बाय 12 करो, 37.5 के। ठीक है, कंपनी एग्जीक्यूट्स अ प्रोजेक्ट्स एक्स वाई जेड, इसका ड्यूरेशन 6 महीना का है। बेसिकली अपन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की है ना, तो इसको आप कॉस्ट ड्राइवर समझ लो। ये हमारा कॉस्ट पूल हो गया, राइट। तो ये हमारा कॉस्ट पर ड्राइवर आ गया, ये ड्राइवर है, ये कॉस्ट पूल है, तो ये कॉस्ट पर ड्राइवर आ गया। एक प्रोजेक्ट लीडर चाहिए 6 महीना के लिए, 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर 2 महीना ही टाइम स्पेंड किया है, आ जाएगा ना, जिसने जितना एफर्ट दिया, एफर्ट कॉस्ट, जिसका जितना एफर्ट है उस हिसाब से आ गया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और ट्रैवलिंग वाला था, और ये अपन को उतना मतलब नहीं है, बट सिंपल समझ में आ रहा है, क्वेश्चन रीड करने से समझ में आ रहा है। जिस आदमी ने जितना टाइम दिया उतना खर्चा लेने का है। अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं प्रोजेक्ट लीडर 6 महीने का दिया है, तो एक एक प्रोजेक्ट लीडर 37,500 × 6 डन × 1। सॉफ्टवेयर इंजीनियर 3 था, 25,000 × 6 × 3 डन। प्रोजेक्ट मैनेजर 50,000 × 2, बस 2 महीना, तो ये तो सैलरी हो गया। इसमें समझाने वाला क्या बात है,
बाकी ये दोनों ओवरहेड में आएगा, ये डायरेक्टली दिया डायरेक्ट कॉस्ट, टू लैपटॉप्स वेयर परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 50,000 इज फॉर यूज इन द प्रोजेक्ट, लाइफ इज 2 साल, तो क्या करने का है, डेप्रिसिएशन कैसे आएगा बोलो, ध्यान से सुनना, 50,000 इंटू 2, 2 लैपटॉप है, 2 साल है तो एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया 6/12, कितना आ रहा है 25,000, हाँ ना, इससे आसान सवाल हो सकता है क्या, तो अगर मान लो ये चैप्टर ये टॉपिक अगर हमने नहीं भी पढ़ाया होता तो बच्चे तो एग्जाम में करके आ जाते, इसमें तो आ क्या, हाँ है ना। अच्छा एक बात और बताता हूं, जो एफर्ट कॉस्ट डायरेक्टली एलोटेड नहीं है, इधर देखिएगा, ओवरहेड कॉस्ट को मेरे को प्रोजेक्ट कॉस्ट में डालना है ऑन द बेसिस ऑफ लेबर कॉस्ट, ये आप लोग उसमें सीखा है ओवरहेड चैप्टर में, दैट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कैन बी कैलकुलेटेड ऑन वेरियस वेज, तो अपने को टोटल टोटल लेबर कॉस्ट भी निकालना पड़ेगा। जैसे अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में, टोटल लेबर कॉस्ट 30 लाख है और ओवरहेड टोटल है तुम्हारा 15 लाख, तो जितना लेबर कॉस्ट यहां एलोकेट हुआ है, अच्छा लोग एक गलती क्या करके आएगा मैं आपको बताता हूं, ये पूरे साल का है, इस प्रोजेक्ट को करने में 6 महीना लग रहा है, बच्चा लोग 6 महीने का ओवरहेड ले लेगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो लिखा नहीं कि एट अ टाइम वो एक ही प्रोजेक्ट कर रहा है, प्रोजेक्ट एक्स वाई जेड के साथ हो सकता है वो और भी कुछ कर रहा हो, 5, 2, 1 टोटल में 8 वर्कर है, 8 में से 1, 3 और 1, 5 ही यूज हो रहा है, बाकी 3 कहां गया, दूसरा में है, समझ में आ रहा है आपको मेरा बात, मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है राइट, तो यहां पे क्लियरली बोल दिया है, पहला बात तो बोला है एफर्ट कॉस्ट में खाली सैलरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स प्रोग्राम्स नहीं आता,
ओवरहेड कॉस्ट निकाला जाता है, जहां पे रनिंग के लिए जो भी खर्चा चाहिए उसको ऐड किया जाता है, डिवाइड बाय प्रोडक्टिव स्टाफ, मतलब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इज इट फाइन? हाँ, सो हम लोग को करना क्या है, प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट बनाना है ना, प्रोजेक्ट का कॉस्ट शीट बनाना है, राइट right? तो अपने को क्या करना है, हार्डवेयर कॉस्ट लेना है, ट्रैवल कॉस्ट लेना है, सैलरीज लेना है, ओवरहेड कॉस्ट लेना, यही तो लेना है। हार्डवेयर कॉस्ट एकदम सिंपल है, 50,000 दो लैपटॉप डिवाइड बाय एनुअल डेप्रिसिएशन इनटू 6 महीना, ट्रैवल कॉस्ट 187,500 दिया हुआ है, ठीक है। ट्रैवल एक्सपेंस दे दिया, डेप्रिसिएशन ले लिया, सैलरी ये लेना है, सैतीस 500 है ना, इंटू इंटू वन 25, इंटू सिक्स इंटू 2,25,000, कितना कितना, ठीक है अभी बाद में, ये आ गया लेबर कॉस्ट। अभी ओवरहेड अब्सॉर्प्शन रेट, टोटल कितना है, 15 लाख और नीचे, वो तो आप एलोकेट करते वक्त लेंगे, अभी तो पहले रेट तो ओवरऑल के बेसिस पे निकलेगा, रेट हमारा ओवरऑल बेसिस पे निकलेगा। इज इट फाइन एवरीवन? अभी इस पर्टिकुलर जॉब का लेबर कॉस्ट कितना है, 775 इंटू 50% ले लेंगे, जितना लेबर कॉस्ट उस हिसाब से ओवरहेड, हम
पूरा ओवरहेड कॉस्ट दे दिया है क्वेश्चन में, 3 लाख 12 लाख, लेबर कॉस्ट दे दिया 15 लाख 9 लाख 6 लाख। तो जिस प्रोजेक्ट में जितना लेबर कॉस्ट जाएगा उस हिसाब से ओवरहेड आ जाएगा। ये हम लोग ओवरहेड कॉस्टिंग में किया है, इसमें समझाने वाला कोई बात नहीं है। ये देखिए पर मंथ का रेट निकाला है ये लोग, ओवरहेड का रेट निकाला है ये लोग, प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट बनाया है। $775, उसका 50% ओवरहेड ले लिया, ये तुम्हारा डायरेक्ट कॉस्ट दिया हुआ है और ये भी तुम्हारा एलोकेट हो गया। डन। कॉस्टिंग ऑफ टोल रोड्स, टोल टैक्स लेते हैं ना हम लोग, विद्यासागर सेतु में जाते हैं 10 रुपए लेता है, हाईवे में टोल रोड्स आते हैं। किसी भी रोड को बनाने में दो टाइप का कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, एक होता है कैपिटल कॉस्ट और एक होता है उसका मेंटेनेंस कॉस्ट। देखो राइट, कैपिटल कॉस्ट समझ में आ रहा है, रोड बनाने का खर्चा कंस्ट्रक्शन। जनरली किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ रहता है, टोल बूथ जो बनता है ना कलेक्शन के लिए वो भी कैपिटल कॉस्ट माना जाता है। लैंड एक्विजिशन, ये मेरा खेत है, ये मेरा अंकल का खेत है, सरकार हाईवे निकाल रही है, पूरा इंडिया में किसी ना किसी का तो जमीन है ही ना। इसको बोला जाता है कंपल्सरी एक्विजिशन, तुम लोग टैक्स में पढ़ा होगा, गवर्नमेंट रोड निकालने के लिए अक्वायर करती है। अगर हमारा जमीन के ऊपर से रोड चला जाए ना, इससे अच्छा बात नहीं हो सकता। हमारे पास भी जमीन है गांव में, या बाजू से रोड निकल गया, हालांकि अब इसकी दाम बढ़ गई है,
बट अगर इसके ऊपर से जाता ना तो सरकार ही ले लेती, राइट? बाकी बनाने में मटेरियल लेवल ओवरहेड तो लगता ही है, अकाउंट्स का स्टूडेंट अच्छा समझेंगे, AS 16 बोरोइंग कॉस्ट किसी भी चीज को बनाने में अगर 12 महीने से ज्यादा समय लगता है और लोन लेके बनाया गया है तो इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज होगा। रूटीन मेंटेनेंस कॉस्ट है, गड्ढा को भरो, क्रैक्स आ गया है, किनारा को रिपेयर करना है, राइट? कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग टोल बूथ्स, इमरजेंसी सर्विसेज, ये सब तो ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस के लोग क्लासिफाई किया, टोल कलेक्शन जो स्टाफ वगैरह रहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट्स मेंटेनेंस, राइट? जो साइड में रेलिंग्स वगैरह रहता है उसका पेंटिंग होता है, हाईवे में देखेंगे रात में एक रेड कलर का लाइट जलता रहता है, काफी सारा खर्चा होता है। और एक बार कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया उसके बाद भी लोन चल रहा है तो वो मेंटेनेंस में आ जाएगा। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, बनाओ चलाओ और फिर दे दो। देखो तुम बनाओ, तुम चलाओ और फिर तुम मुझको बेच दो। इससे क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ गया। गवर्नमेंट कितना करेगी? टोल रेट, टोल रेट का डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। टोल हमने एक रोड बनाया, अब ये रोड यूजर को कैसे बेनिफिट कर सकती है? मैंने टू वे लेन बनाया, टू वे लेन जाने का आने का। मैंने फोर वे बनाया, गाड़ी और अच्छे से चलेगी। मैंने एट वे बनाया, गॉट माई पॉइंट? तो बेसिकली यूजर का फ्यूल सेविंग होना चाहिए। जाम में अगर गाड़ी चलेगा फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होगा, हाईवे में 80-90 का स्पीड चलेगा फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगा, सेविंग्स होता है, फ्यूल सेव हो रहा है, मेरा टाइम बचत हो रहा है। 2 घंटे में हम आपको यहां से वहां पहुंचा देंगे। गुड राइडिंग क्वालिटी, स्मूथ,
टोल रेट होता है पर किलोमीटर का। ये लोग क्या करता है ना, जैसे यहां पे एक टोल बूथ बनाया, फिर यहां फिर बनाएगा, तो डिस्टेंस मालूम है तो उसी हिसाब से वो रेट फिक्स होता है। अब आपका यहां से पतला सा गली निकल रहा है, आपको इसको क्रॉस किया मतलब उतना लगेगा इस, अब यहां से आप घुस गए यहां पे तो भी आपको पूरा देना पड़ेगा, समझ रहे हैं? आप नहीं बोल सकते मैं तो बाजू वाले घर से ही आया हूं, सभी वही बोलेंगे फिर। हाँ ब्रिजेस का नहीं, नॉर्मल रोड का नहीं होता, सरकार करती है, कोलकाता जैसे लोकल अथॉरिटी करती है। नहीं नहीं प्राइवेट कंपनी बनाता जरूरी नहीं है, काम फास्ट होता ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। हाँ मैं ही अगर सब कुछ पढ़ाने लगूंगा तो मैं कितना पढ़ा पाऊंगा, तुम सोचो ना। ठीक है, तो कुछ नहीं है, सिंपल आपको कॉस्ट करना है, टोटल किलोमीटर से डिवाइड करके वो नंबर ऑफ यूजर्स वगैरह होगा, उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना। हम लोग देख लेते हैं, PHG टोल प्लाजा लिमिटेड बिल्ट अ 60 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे एंड नाउ ऑपरेट्स अ टोल प्लाजा टू कलेक्ट टोल्स फ्रॉम पासिंग व्हीकल्स यूजिंग द हाईवे। 60 किलोमीटर का लंबा रोड बनाया मैंने, देखो ये हमको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लग रही है, ये मतलब प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट आ गया यहाँ पे। द कंपनी हैज एस्टिमेटेड अ टोटल ऑफ 12 करोड़ व्हीकल्स। Only single type of vehicle will be using the highway during the 10 years toll collection tenure. तो साल का हो गया 1.2 करोड़ व्हीकल यूज करेगा, महीने का हो गया 10 लाख व्हीकल उस रोड को क्रॉस करेगा। ठीक है, तो मैंने बोला ना कितना व्हीकल ट्रैवल होगा वो सब जानना बहुत जरूरी है हम लोग को, यूजर कितना है। सिंगल टाइप ऑफ व्हीकल इसलिए बोला क्योंकि बाइक वालों का फ्री होता है, छोटी गाड़ी का 30 रुपया, उससे बड़ी गाड़ी का 50, लॉरी का 200, इसे सिंगल टाइप ऑफ व्हीकल, कंफ्यूजन नहीं हटाने, तो इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। एक महीने का ऑपरेटिंग दे दिया, नहीं नहीं अरे दे देगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, हम लोग तो कर पाएंगे, इक्विवेलेंट तो हम लोग को आता है। तो महीने का 10 लाख हो गया, 10 लाख यूजर, 10 लाख यूजर्स मंथली। साढ़े 500 पर डे पर पर्सन, तीन शिफ्ट में काम होगा, तो तीन शिफ्ट चार आदमी, इसका मतलब 12% हो गया, दो शिफ्ट एक आदमी मतलब 2% हो गया, तीन शिफ्ट छह आदमी मतलब 18% हो गया, दो शिफ्ट एक आदमी मतलब 2% हो गया। इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन मेंटेनेंस कॉस्ट सब दे दिया, मंथली डेप्रिसिएशन कैपिटल कॉस्ट का ऑफ कैपिटल कॉस्ट का डेप्रिसिएशन दे दिया, और कंपनी को 25% प्रॉफिट चाहिए ऑन टोटल कॉस्ट। To cover interest and other cost. Calculate cost per kilometer per month.
और टोल रेट निकालना है पर पर व्हीकल, एक व्हीकल से कितना रुपया लेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखना, पहले मैं सबका सैलरी कर लेता हूं, ठीक है। मैं कैसे करूंगा ध्यान से देखना, कौन कौन है बताना, कलेक्शन सुपरवाइजर सिक्योरिटी टोल बूथ मैनेजर, कलेक्शन सुपरवाइजर सिक्योरिटी टोल बूथ मैनेजर, कलेक्शन पर्सनल सुपरवाइजर और एक सेकेंड, इसका कितना है 3 × 4 तो 12 आदमी हो गया, इसका 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 पैसा बोलो 550 पर डे, इसका एक सेकंड बोलो, टोटल कितना आ रहा है, नाउ फॉर अप्रैल कर रहे हैं हम लोग, सो इनटू 30 5 लाख 40, इलेक्ट्रिसिटी 8 लाख, टेलीफोन 1 लाख 40, मेंटेनेंस 30, डेप्रिसिएशन 1.5 करोड़,
अभी मैं एक बार इसमें 25% ऐड कर देता हूं, कितना आ रहा है बोलो? फोर लाख नहीं, तुमने गलत किया है, 4,87,000 नहीं होगा, 48,70,000 आएगा फिर ये। कितना? 2,43,50,000। राइट, अब हमको दो सवाल पूछा है। ये मेरा टोटल कॉस्ट है अप्रैल मंथ का, यहाँ पे हाईवे की छुट्टी नहीं होती है, 12 महीना ही गाड़ी चलेगी, राइट? पार्ट ए में पूछा है कॉस्ट पर किलोमीटर 1,94,80,000 डिवाइडेड बाई 60 किलोमीटर का लंबा रोड है, तो 1 किलोमीटर का मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है? तीन लाख 24,667 अप्रोक्स। और पार्ट बी, टोल रेट पर व्हीकल हमको चाहिए 2,43,00,000। हाँ, 2,43,50,000 डिवाइडेड बाई 1? चलिए,
करोड़ 10 साल में व्हीकल यूज होगा, तो एक साल का 1.2 करोड़ मंथली, 10 लाख व्हीकल। कॉस्टिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होगा तो नॉट फॉर प्रॉफिट होगा, प्राइवेट होगा तो कमाने के लिए भी है। गवर्नमेंट कॉलेज जो नॉन प्रॉफिट होता है उनको भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के लिए कॉस्टिंग करना ही पड़ेगा। स्कूल का इनकम अलग अलग टाइप का इनकम होता है, एक होता है वो लोग जो वन टाइम सेशन फी लेता है और एक ट्यूशन फी मंथली फीस। देख लो सेशन फीस, ट्यूशन फी, लेबोरेटरी, कंप्यूटर फी, इंटरनेट फी, लाइब्रेरी फी, राइट, ये सब ये लोग रेकरिंग लेता है। लिमिट भी हो सकता है, कोविड के बाद काफी सारा रेस्ट्रिक्शंस आ गया है। अदर अदर इनकम्स जो होता है ना, बस सर्विस, इसमें ज्यादा कमाई नहीं है, फैसिलिटी देने के लिए। तो एक आपका वन टाइम फीस होता है, एक आपका रिकरिंग हो गया, एक आपका अदर इनकम आ गया, ट्रांसपोर्ट, मेस, कैंटीन, ये सब। ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस जोन में है। एक्सपेंडिचर में एक वो होते हैं जो क्लासरूम में खड़े रहते हैं, एक वो होते हैं जो बैकग्राउंड में काम करते हैं, सारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट कार्ड बनाना, एडमिन जॉब करना, गवर्नमेंट का काफी सारा कंप्लायंसेस होता है उसको मीट करना, ये सब। लैब का मेंटेनेंस चार्ज, कंप्यूटर लैब हो गया, जो और भी कोई लैब हो गया, केमिस्ट्री लैब, these are other expenses, electricity वगैरह भी आएगा। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, जैसे अगर मैं किसी कॉलेज की बात करूं तो साइंस डिपार्टमेंट, आर्ट्स डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट, कॉलेज साइंस आर्ट्स कॉमर्स, एक होते हैं जिससे डायरेक्टली बच्चे आके पढ़ते हैं, और एक होता है कॉमन फैसिलिटी जो सबके लिए रहता है, इनको सपोर्ट कॉस्ट सेंटर बोला जाता है। एक वो हो गया जो ट्रांसपोर्ट, होटल, मेस, ये सब चीज के लिए। देख लीजिए ऑपरेशनल कॉस्ट हो गया एक तो आपका, ये सब ऑपरेशनल से रिलेटेड है, इसका आप अलग अलग कॉस्ट सेंटर में डिवीजन कर सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज, सपोर्ट सर्विस डिपार्टमेंट, राइट। आरएनडी, काफी सारा एकेडमिक रिसर्च वर्क भी लेता है ये लोग, अंडरटेक करता है।
पब्लिकेशंस होती हैं, रिसर्च पब्लिकेशंस, कोई आर्टिकल छपाना, ये सब कॉस्ट तीन तरह के होते हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट, रिसर्च रिलेटेड, पब्लिकेशन कॉस्ट। जस्ट रीड कर लीजिएगा, कुछ करना नहीं है सब में। ऑपरेशन में मैक्सिमम सारा स्कूल का रनिंग कॉस्ट, टीचर सैलरी सब। तो देयर कैन बी वेरियस डिपार्टमेंट्स, राइट, और उनका सपोर्ट डिपार्टमेंट्स भी हो सकता है, कैंटीन हो गया, लाइब्रेरी हो गया, स्पोर्ट्स फैसिलिटी हो गया। ये रिसर्च पब्लिकेशन भी अगर डायरेक्टली उस डिपार्टमेंट का है तो वहां जाएगा, होता है, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना पब्लिकेशन होता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, पब्लिकेशन में लिखा हुआ है, देखो तीन डिपार्टमेंट हो गया, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, प्राइमरी क्लास भी चलता है, सेकेंडरी भी चलता है, लेकिन ये लोग क्या करता है, हायर सेकेंडरी को अलग से ट्रीट करता है। हायर सेकेंडरी में तीन है, स्कूल है, ठीक है, ये स्कूल हो गया, इसमें प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, एचएस भी है। एचएस में अब तीन है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, तो यहां पे खाली हायर सेकेंडरी के लिए बात किया जा रहा है। गॉट माय पॉइंट? तो जो पूरे स्कूल का खर्चा होगा उसको एलोकेट करेंगे हायर सेकेंडरी में, जो हायर सेकेंडरी का स्पेसिफिक होगा वो उसी में ले लेंगे, यही तो होगा, और क्या होगा? टीचर सैलरी, प्रिंसिपल सैलरी, लैब अटेंडेंट सैलरी, सैलरी टू पॉइंट, सैलरी टू अदर स्टाफ, एग्जामिनेशन एक्सपेंडिचर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, एनुअल डे एक्सपेंसेस, स्पोर्ट एक्सपेंसेस, ये सब दिया हुआ है। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस कॉस्ट है, सब में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना, ये बोल दिया, लैब क्लासेस बता दिया, नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस बता दिया, टाइम स्पेंट एट लाइब्रेरी बाय स्टूडेंट पर ईयर दे दिया। देख रहे हो, टाइम स्पेंट बाय प्रिंसिपल दे दिया, कितना टीचर्स है ये बता दिया, टोटल में देखना है, ये यहां पे आ रहा है 10, 16, 25 टीचर, ऊपर में कितना दिया हुआ है, 25 टीचर, समझ गया ना किसमें कितना लेना है टीचर सैलरी। तो बेसिकली यहां पे हमको ये क्या दिया है, कॉस्ट ड्राइवर दे दिया, मतलब ये ड्राइवर दे दिया ना,
ये हमारा कॉस्ट पूल हो गया, दिस इज व्हाट, ये हमारा कॉस्ट पूल हो गया, ये ड्राइवर हो गया, हम लोग को निकालना क्या, कॉस्ट पर ड्राइवर, खत्म बात। अरे जैसे प्रिंसिपल का है और भी बहुत सारे, नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कितना हो रहा है, 8 एग्जामिनेशन हो रहा है, ऊपर में एग्जामिनेशन कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 10,80,000, तो व्हाट इज द कॉस्ट पर एग्जामिनेशन, समझ में आ रहा है, उस हिसाब से लाइब्रेरी में कौन कितना घंटा दिया, कितना है बताओ, 300, 300, 600 घंटा, लाइब्रेरी कॉस्ट कितना है बताओ, ये रहा स्टाफ टू सॉरी स्टाफ टू लाइब्रेरी बोल रहा हूँ, हाँ ये तो लाइब्रेरी कॉस्ट है ना, उसका सैलरी उसी हिसाब से जाएगा सब में, तो इस तरीके से मैं बताऊंगा आपको, राइट। एक टीचर है जो इकोनॉमिक्स पढ़ाती है आर्ट्स को, वो कॉमर्स को भी पढ़ाती है, तो उसका सैलरी दोनों में डिवाइड होगा, उस पर्टिकुलर टीचर का, जो साइंस को मैथमेटिक्स पढ़ाती है वो कॉमर्स को भी मैथ्स पढ़ाती है, उसका भी डिविजन होगा। एक प्योन फुल्ली डेडिकेटेड हायर सेकेंडरी सेक्शन को, राइट, अदर प्योन्स डेडिकेट देयर 15% टाइम टू हायर, तो प्योन जितना होगा उस हिसाब से देख लेंगे। ऑल स्कूल स्टूडेंट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ सेक्शन एज पार्टिसिपेट्स इन एनुअल फंक्शन एंड स्पोर्ट एक्टिविटीज, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पे डिवाइड हो जाएगा। कॉस्ट पर स्टूडेंट पर एनम फॉर ऑल द थ्री स्ट्रीम्स, स्ट्रीम वाइज प्रॉफिटेबिलिटी, और अगर 10% प्रॉफिट चाहिए तो फीस कितना होना चाहिए। हाँ है ना, ठीक है, लेट अस क्विकली डू इट, आप लोग एक बार रीड कर लीजिए। Please do it. Just give it a try. Read once. चलिए
इसमें दो तरीके का है, आर्ट्स पहले कौन सा है देख लो तो। आर्ट्स कॉमर्स साइंस, ठीक है। हायर सेकेंडरी में तो स्ट्रीम होता है। और इसका टोटल हायर सेकेंडरी का, ठीक है। सबसे पहला टीचर सैलरी, उसके बाद क्या बताना, थोड़ा लाइन से पहले सारा बता दो। प्रिंसिपल सैलरी, लैब अटेंडेंट का सैलरी, हाँ लाइब्रेरी स्टाफ सैलरी, हाँ पोस्ट एक्सपेंस तो वही एक ही बात है। ठीक है ना, इन सबको हमको बनाना है नीचे। नोट वन, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, बोलो भैया। इसमें कितना टीचर है? चार पांच छः, तो 4 × 25,000 × 12, यही तो। इधर कितना आ रहा है? कितना? 16 लाख। अब एक टीचर का सैलरी रीअपॉर्चमेंट करेंगे, रीअपॉर्चमेंट ऑफ एक सेकेंड,
अपॉर्शनमेंट ऑफ आर्ट्स स्ट्रीम टीचर सैलरी टू कॉमर्स, यही ना? हजार चालीस में से 208 कॉमर्स का लेती है वो, ठीक है। रीअपोर्शनमेंट ऑफ सैलरी ऑफ वन आर्ट स्ट्रीम टीचर तो कितना होता है, ध्यान से देखना। 35,000 इंटू 12 कितना होगा? 4,20,000 का रीअपोर्शनमेंट होगा। 40 क्लास वो ली है और उसमें से 208, तो ये नेगेटिव होगा यहां पे, इधर प्लस होगा। कितना आ रहा है? ठीक है, एक और होगा रीअपोर्शनमेंट ऑफ सैलरी ऑफ वन साइंस स्ट्रीम टीचर टू कॉमर्स। अगेन 4,20,000 एक टीचर का, ग्यारह सौ में से 160 उधर ले रही है वो। बोलो भैया। 15,96,000 ये, लास्ट वाला ट्वेंटी फोर लाख। बस वहां लिख देंगे। लैख 96,000, इसका कितना बोली? 22,00,000। हाँ, 24 टोटल।
15 टीचर का सैलरी आएगा ना, वो तो तुम आपस में इधर में एलोकेट की हो। अल्टीमेटली चार, मैंने तो ऐसे किया, 4, 5, 6, 15 टीचर हो गया। 15 टीचर का 35,000 करके 12 महीना 63 लाख आ रहा है। ये तो मैं इधर का डाल के इधर डाल दिया, इधर का इधर डाल दिया, बट अल्टीमेटली तो टोटल उतना ही आएगा ना। डन। सो नोट वन मैंने वहां लिख भी दिया। अब बात करते हैं प्रिंसिपल सैलरी का, नोट टू। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, दो सौ आठ, 312, 480। टोटल में 800 घंटा मैडम इधर दी है, 800 नहीं सॉरी ज्यादा रहे, कितना रही है, 1000 घंटा इधर दी है और 1400 दी है मैडम दूसरा स्ट्रीम में। एक सेकंड, टोटल आवर कितना हो गया, ये कितना आ रहा है मैडम का, 2400 घंटा, उस हिसाब से इसमें लेना है। और मैडम का प्रिंसिपल सैलरी कितना है, 14,40,000। ठीक है, चौदह लाख चालीस, 2400 घंटा का है, 208 का कितना आ रहा है, 312 घंटा। बोलो भैया, इसका 187, 2 लाख 88,000, टोटल देखेंगे तो 6 लाख हो रहा है गेस। ठीक है ना, कितना बोलो, 124,800, 1,88,000। लैप अटेंडेंट, नोट थ्री, लैब क्लासेस का झमेला ही नहीं है, दोनों का मिला के 300 घंटा हो रहा है, तो इन दोनों में ही बटेगा, राइट। तो इसका अलग से नोट नहीं बनाएंगे, दरकार नहीं है, ये नोट हम लोग बाद में काम ले लेंगे, इसका रिक्वायर्ड नहीं है। बोलो भैया, लैब अटेंडेंट का सैलरी कितना है, टोटल बताओ ना, 3,60,000 है ना, डिवाइडेड बाई 300 × 144, इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, कितना आ रहा है बोलो, 1,780,000।
और क्या है? 156 प्राइमरी सेकेंडरी का है। देखो लैब अटेंडेंट दिया हुआ है तो देखो 172,800 आ गया। नेक्स्ट है लाइब्रेरी स्टाफ, इसके लिए हम लोग नोट 3 बना सकते हैं। टाइम स्पेंड बाय स्टूडेंट्स इन लाइब्रेरी, वन फोर्टी फोर है ना। इसके लिए हम लोग नोट 3 करेंगे लाइब्रेरी के लिए। चलो कितना आ रहा है? कितना? कितना? डन बोलिए। 4,800 इधर 1,30,000 पियोन का करेंगे हम लोग नोट 4। पहले पियोन हायर सेकेंडरी का निकालेंगे उसके बाद फिर उसको एलोकेट करेंगे। पहले पियोन आएगा हायर सेकेंडरी का, ठीक है ना? पहले पियोन सैलरी आएगा। कितना पियोन है टोटल में? 4। तो 1 पियोन फुल सैलरी कितना है महीने का? 1,20,000 आ गया। 3 पियोन का 15% सैलरी, क्योंकि 15% एलोकेट किया वो लोग। क्या 18,000? 3 है ना, सही आ रहा है ना? एक पियोन का पूरा 100% सैलरी लेंगे, बाकी 3 पियोन्स का 15% सैलरी लेंगे। वन लैख 74 आ गया। ये
हाँ कुछ नहीं बोला है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पे ही होगा, आर्ट्स कॉमर्स साइंस बोलो। आर्ट्स में स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा हायर सेकेंडरी का आ गया, समझ गया ना, ये टोटल का नहीं है। आर्ट्स कॉमर्स साइंस कितना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन तीनों का, पूरा का नहीं, खाली ये वाला? 660 है ना, टोटल 1500 है। अदर स्टाफ को टोटल में करेंगे, ठीक है? तो बताओ 660 में कैसे आएगा? 174 इंटू 120 डिवाइड बाय 660, 174 इंटू 660 लास्ट वाला बोलो। सिक्स थर्टी सिक्स हाँ हाँ फोर 31 66 94 909 47 455। नहीं वैसे नहीं होगा। कितना है? 636 हाँ टोटल आ गया 174। अदर स्टाफ का नोट 6 ये पूरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में जाएगा। देखिए करो करो डिवाइड करो। ठीक है, अब इस एक साथ हम लोग चार्ट तो करेंगे। ठीक ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में जाएगा। 480, 15 लाख 20 हजार, 4.5 लाख, 1 लाख 20 हजार। तो इसमें नोट 6, इसमें भी नोट 6, नोट 6, नोट 6, नोट 6 थोड़ी होगा, नोट 5 होगा ना।
रेशियो क्या बताओ तो इसका आएगा 120 बाय 1500, 360 बाय 1500 यही आएगा ना। फटाफट बताओ, सैलरी टू अदर स्टाफ और क्या क्या है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव है, एनुअल डे है, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस है, ठीक है ना। अभी 120 बाई 1500 करो कितना परसेंट होता है देखो तो एक बार। आई थिंक 8% आएगा क्या है? तो 8% यहां ले लेंगे, 24% यहां ले लेंगे और इसका कितना आ रहा है 12, 12% यहां ले लेंगे, हो गया, सिंपल बात है। तो स्टाफ सैलरी है कितना? 4,80,000 का 8% करो, हाँ उसका 24% करो, 1,15 और इसका हाँ 50, ठीक है हो गया, परसेंटेज आ गया ना सिंपल। ये टोटल मिला के 44% ही हो रहा है, हाँ ठीक है। चलो ऑफिस का कितना है टोटल? 8% का 1,23,600, हाँ तुम इंग्लिश में बोलो ठीक है ना, हाँ 364,800, हाँ 1,82,400। एनुअल डे का बताओ, 14,400। टोटल नहीं करेंगे यहाँ पे, टोटल करने का दरकार नहीं है, वहीं लिख देंगे ऊपर बस। बोलो कितना है? वन वन टोटल 2,11,000, ठीक है। इसका ऑफिस का 1,24,600, 1,98,000, 1,98,000। अब इसका खाली निकालना है नोट 6। एग्जामिनेशन दो दो हो रहा है, बट जितना एग्जामिनेशन होगा उतना कॉस्ट लगेगा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करेंगे पहले उसको। टोटल में 8 एग्जामिनेशन हो रहा है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, कितना स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है उससे भी तो फर्क पड़ेगा ना। मेरा बात समझो, एक क्लास में 10 बच्चा है, एक क्लास में 20 बच्चा है, तो एग्जामिनेशन कॉस्ट किस में ज्यादा आएगा? तो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ एग्जामिनेशन एज वेल एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट सेम नहीं है सब में। नोट 6 हम लोग बनाएंगे, आर्ट्स कॉमर्स
साइंस और एक बार अदर्स बनाना पड़ेगा। नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस कितना आ रहा है? दो 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 दो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दो सौ चालीस, 720, 360, 1680, कितना आ रहा है टोटल? हम्म, 3,000 एग्जाम्स हो रहे हैं। अब एलोकेशन करेंगे, 1 × 2 करने से नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस आ जाएगा। कितना एग्जामिनेशन कॉस्ट? दस लाख अस्सी हजार 3,000 एग्जाम्स का है। 240 का कितना होगा देख के बताओ तो। उतना ही है हाँ? अदर्स का नहीं चाहिए हमको, बोलो। 86। हाँ अब इसका टोटल बताओ इन तीनों का। 475, 200। और कुछ नहीं है ना? ठीक है। कॉस्ट पर स्टूडेंट पर एनम फॉर ऑल थ्री स्ट्रीम्स। मैनेजमेंट अगर 1,000 रुपया करके ले रहा है तो क्या आएगा रेवेन्यू? और मैनेजमेंट अगर 10% प्रॉफिट लेता है तो फीस क्या होगा? ठीक है। सबसे पहले आप टोटल कॉस्ट बताइए। ट्वेंटी लाख सिक्स 36। हाँ 34 लाख। ठीक से बोलो, 34 लाख। अच्छा, इसमें और कोई डेसिमल नहीं है इधर में? 764 टोटल। 89,82,400। ठीक है, ये हो गया। अभी हम लोग पार्ट थ्री का पहले आंसर करेंगे। अच्छा ठीक है, ये टोटल कॉस्ट आ गया ना, रहने दो। ठीक है, इसको हम लोग होमवर्क कर लेंगे, फिर हम लोग इसको कल कर लेंगे। और भी कुछ है क्या इसमें? देख लेता हूँ मैं एक बार। नहीं, और कुछ है क्या?
इंश्योरेंस कंपनी का है, ठीक है, एक क्लास लगेगा ही हम लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। वी विल फिनिश इट टुमारो देन। होमवर्क का लेना है इसका जो रिमेनिंग पार्ट है ना, कॉस्टिंग में जितना अच्छा से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना उतना आपको इजी होगा। थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है, जैसे अगर यहाँ पे जनरली क्या करेगा बच्चा लोग, मैं आपको बताता हूँ, जनरली दे विल सिंपली डिवाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एग्जामिनेशन। लेकिन नंबर ऑफ एग्जामिनेशन उससे फर्क तो पड़ता ही है, इससे भी फर्क पड़ेगा, राइट? तो ठीक है, बाकी कल कर लेंगे। ओके, बाय, थैंक यू सो मच।